जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स। द टॉपिक इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्टेड। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉम्बिनेशन और कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको बताया था देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मीन्स ह्यूमन कैपिटल। सो लेट्स स्टार्टेड विद द फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड। तो मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द विलेज पालमपुर इज फार्मिंग। सो लैंड इज फिक्स्ड। फार्मिंग इज अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। 75% लोग फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट थे अपनी लाइवलीहुड के लिए। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स। ये क्या हो सकते हैं? फार्मर भी हो सकते हैं और फार्म लेबर्स भी हो सकते हैं। देयर इज़ द बेसिक कॉन्स्ट्रेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन। ये रेस्ट्रिक्शन थी कि वे फार्म प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान देते थे। लैंड एरियाज अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जो लैंड एरियाज थे वो प्रैक्टिकली फिक्स्ड थे। सिंस 1960s इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। 1970 से लेकर अब तक ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ किस चीज़ में, लैंड एरियाज में कल्टिवेशन के लिए। बट बाय देन सम ऑफ द वेस्टेड लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू द कल्टिवेटेड लैंड्स। देयर एक्सिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। कोई भी वहाँ पर स्कोप नहीं था जिससे वो लैंड को और मर्ज करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। वन मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि हेक्टर यूज एज अ मेजरिंग यूनिट ऑफ मेजरिंग द लैंड। मीन्स हेक्टर को हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के लिए, लैंड को मेजर करने के लिए। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? यस, इट इज़ पॉसिबल। तो इसे मल्टी क्रॉपिंग भी कहा जाता है कि एक ही लैंड से एक ही जगह पे आप और भी क्रॉपिंग या और भी चीज़ों को ग्रोन अप कर सकते हो। इससे जो क्रॉप सॉइल की फर्टिलिटी भी अच्छी होती है और आपको आपको प्रॉफिट भी इसमें होता है। पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन द पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। सभी लैंड पे वहाँ पे काम करा जाता था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा। रेनी सीजन में आपको याद रखना है जो एक खरीफ क्रॉप है जिसमें जवार और बाजरा को ग्रो करते थे। दीज प्लांट्स आर यूज एज अ कैटल फीड। इन प्लांट्स को हम कैटल्स के लिए यूज़ करते हैं, उनको फीड करने के लिए, उन्हें खिलाने के लिए। इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टिवेशन ऑफ द पोटैटोज बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर एंड इन द विंटर सीजन रबी। द फील्ड आर टू बी सोन विद वीट। और रबी में वो जो वे वीट को ग्रोन अप करते थे अपने फील्ड्स में। फ्रॉम द वीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस फार्मर कैप कीप इनफ वीट फॉर द फार्म फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। रायगंज के बारे में बताया था अभी आपको फर्स्ट वीडियो में। तो बात को समझिए कि वे जितना भी वीट अपनी फैमिली के लिए रखने के बाद जो बचता था वीट उसे रायगंज में जाके बेच देते थे। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। एक पार्ट ऑफ एरिया था जहाँ पे जो यूज़ होता था किस चीज़ के लिए? शुगर केन के लिए। विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जो हम हमेशा ही एक साल में एक बार, वंस एवरी ईयर मतलब उसे ग्रोन अप उसे उगाते थे। शुगर केन इज़ अ रॉ फॉर्म और अ जर्की मीन्स गुड जिसे कहा जाता है इज़ सोल्ड टू द मार्केट इन शाहपुर।